कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र के खिरहनी फाटक में शुक्रवार की रात्रि को एक युवक पर कट्टे से फायर कर घायल कर देने के मामले में नया मोड़ सामने आया है, जहां पर युवक के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई थी कि उसे सतना के किसी होटल में दाहिनी हाथ में गोली मारी गई थी, जिसकी कोतवाली पुलिस बारीकी से तफ्तीश कर रही है। इस संबंध में पुलिस टीम सतना रवाना होकर गोली की वारदात की बारीकी से जाँच कर रही है, जिसकी जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। जांच पड़ताल के बाद युवक ने पुलिस के पूछताछ में बताया कि वह सतना से डेमू ट्रेन से कटनी आया था, जिसके बाद वह खिरहानी फाटक में ब्रिज के नीचे कैसे पहुंचा युवक को कुछ भी याद नहीं। गोली के संबंध में युवक ने पुलिस को जानकारी दी कि उसे सतना के किसी होटल में गोली मारी गई थी, जिसके बाद पुलिस युवक को लेकर पहले खिरहानी फाटक क्षेत्र में पहुंची, उसके बाद उसे पुलिस की एक गठित टीम के साथ लेकर सतना भेजा गया, जहां पर वारदात की वास्तविक स्थिति का पता लगाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। वहीं घायल युवक के ऊपर उसके स्थानीय क्षेत्र में मारपीट लड़ाई झगड़े समेत 6 से अधिक अपराध दर्ज है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कल रात्रि में सुरेंद्र जाटो पिता प्रहलाद जाटो उम्र 18 वर्ष निवासी पथरिया फाटक दमोह का 9:20 पे शासकीय अस्पताल आया था, जिसकी हमें सूचना मिली। हम अस्पताल में जाकर के उससे बात किए, उसने बताया कि मुझे खिरहानी फाटक में दो लड़कों ने गोली मारी है। फिर उससे पूछताछ हुई, वो थोड़ा सा नशे में भी था, जिसके कारण फिर उसने स्पष्ट घटनास्थल की जानकारी नहीं दी। हम लोगों ने रात में घटनास्थल प्रयास किया तलाश करने का, मगर घटनास्थल रात में नहीं मिला। आज सुबह उससे बात हुई तो उसने बताया मुझे सतना के किसी लाज में गोली मारी है दो लड़कों ने, तो अब हमें तस्दीक के लिए सतना ले जा रहे हैं और घटनास्थल के वास्तविक घटनास्थल का पता कर रहे हैं। असल में यहाँ पे आया था जी, मतलब कटनी माल खरीदने के लिए, गांजा खरीदने के लिए खिरहानी फाटक साइड। वहाँ पर वो दो लड़के बैठे थे, सुन लोगों से मैंने पूछा, भाई जी ऐसे जी बात जी कहाँ मिलेगी थोड़ी बहुत मेरे को आप बता दो। बोले लगे गाली वाली बकने लगे, तो मैंने भाई गाली माली मत बको बेबी, ऐसा हूँ से एकदम सुनने लड़ाई झगड़ा होने लगी, सुन लो मुझे एकदम से मेरे लिए फायरिंग कर दी गोली, यहाँ सीधे हाथ के यहाँ बॉडी के पास, और फिर कुछ नहीं। फिर उन लोगों ने वो भाग गए मार के, वो गमछा रखा था मैंने, वो गमछा बांध लिए एकदम से, मैं अकेले खुद पैसे लिए 1500 रुपये रखा था मैं, गांजा गांजा लेने के लिए और खुले पैसे रखा था मैं। हाँ सुरेंद्र जाटव जी, यहाँ खिरहानी फाटक हमेंगी जी, यहाँ दमोई। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।